सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार में जनसंवाद यात्रा पर हैं। जनसंवाद यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा दो दिवसीय यात्रा पर नालंदा पहुंचे। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड स्थित जेडीयू कार्यालय के समीप जनसंवाद यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जदयू कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से खाजा नगरी सिलाव स्थित जेडीयू प्रखंड कार्यालय के समीप जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सिंह के नेतृत्व में जेडीयू कार्यकर्ताओं के द्वारा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया गया है। गौरतलब हो कि उपेंद्र कुशवाहा को इस मौके पर सिलाव के मशहूर खाजा का स्वाद भी चखाया गया और इस मौके पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं को और मजबूती के साथ पार्टी के कारनामों को आगे बढ़ाने की बात उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया। हम आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों पूरे बिहार में जनसंवाद यात्रा पर हैं और दो दिवसीय यात्रा पर वो नालंदा पहुंचे हैं और नालंदा में अलग अलग जगहों पर जाकर जेडीयू के कार्यकर्ता एवं अपने पुराने साथियों से मुलाकात कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास चल रहा है, इसी की बातों को वो कार्यकर्ताओं के बीच बताकर पार्टी को और मजबूत बना रहे हैं क्योंकि पार्टी को दूसरे जगह पर भी चुनाव लड़ाकर इसे और मजबूत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।